नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार खरखोदा क्षेत्र में नई जमीन को अधिग्रहण करने का कार्य काफी जल्द करने वाली है। खरखोदा क्षेत्र में गांव थाना कला थाना खुर्द की जमीन को सरकार 624.05 एकड़ जमीन को एक्वायर करने वाली है, जिसके लिए सरकार खरखोदा क्षेत्र में सेक्टर 7 की डेवलपमेंट का कार्य यहां पर करने वाली है। और इसके लिए सरकार किसानों की लगभग 624.05 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करेगी। अगर यहां पर जमीन अधिग्रहण के रेट की बात की जाए तो सरकार यहां पर करोड़ से ऊपर का मुआवजा देने का कार्य भी करने वाली है, यानी कि मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 1.5 से 2 करोड़ का मुआवजा रहने वाला है। और मैक्सिमम मुआवजे की अगर बात करें तो 4 से 5 करोड़ तक भी मुआवजा यहाँ पर प्रति एकड़ सरकार को देना पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान के बड़े कलेक्ट्रेट के अनुसार 2041 तक जब ये प्लान सरकार तैयार करेगी तो यहाँ पर किसानों की जमीन के रेट भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके होंगे। सरकार द्वारा खरखोदा क्षेत्र के सेक्टर 7 का लेआउट प्लान जारी करने का कार्य किया जा चुका है, यानी कि खरखोदा क्षेत्र में 2041 के समय में होने वाली डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने सेक्टर 7 खरखोदा को लेकर नया प्लान जारी करने का कार्य किया है, जिसके प्लान की पीडीएफ प्रति आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ प्रति के अनुसार मैं आपको बता दूं कि खरखोदा क्षेत्र में सेक्टर 7 को रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में सरकार विकसित करने वाली है, और इस सेक्टर को थाना कला गांव के रकबे में सरकार द्वारा डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। खरखोदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत सेक्टर प्लान सेक्टर 7 के अनुसार इस प्लान को 2041 तक सरकार द्वारा तैयार किया जाने वाला है। खरखोदा के सेक्टर 7 को 624.05 एकड़ क्षेत्र में सरकार विकसित करना चाहती है, और इसमें से 27.25 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा ग्रीन बेल्ट के रूप में इस क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा जो नेट प्लांड एरिया है वो 592.56 एकड़ का एरिया यहाँ पर रहने वाला है। खरखोदा का सेक्टर 7 खरखोदा में बनने वाले सेक्टर 1 सेक्टर 2 पीपली गांव कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और साथ साथ में थाना कला गांव के वर्तमान की ग्रामीण आबादी के इलाके से भी अटैच होने वाला है। नए सेक्टर 7 खरखोदा मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर नई नई बुनियादी सुविधाएं और नए रोड्स को बनाने का काम भी सरकार द्वारा किया जाने वाला है। ये मास्टर प्लान पूरा का पूरा लगभग 10/1/2023 को लेआउट करके जारी करने का कार्य यहाँ पर किया जा चुका है, और ये ड्राइंग सरकार प्रशासन द्वारा पब्लिक की जा चुकी है। चलिए इस ड्राइंग को और किला नंबरों को बारीकी से जानने के लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको खेवट और किला नंबर के हिसाब से बताते हैं कि किन किन की जमीन इसमें सरकार एक्वायर करने वाली है। अब आपकी स्क्रीन पर नया खरखोदा का लेआउट प्लान दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा नक्शा है, क्योंकि पीडीएफ यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले खरखोदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिला सोनीपत, यहाँ देखिए स्टार्ट करें सेक्टरल प्लान सेक्टर 7 रेजिडेंशियल, ये फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2041 के तहत खरखोदा का सेक्टर 7 का प्लान तैयार किया गया है। ये छोटा मैप दिखाया गया कि इस प्रकार का प्लान रहेगा, ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की रेलवे लाइन रहेगी, सेक्टर बाउंड्री की इस प्रकार की दिखाई देगी, विलेज बाउंड्री इस प्रकार की। चलिए मैं थोड़ा और जूम करता हूँ इसको, देखिए आप नीचे देखेंगे तो इस प्रकार की विलेज बाउंड्री, माइनर नहर होगी वो इस प्रकार, KMP होगा कुंडली बाणेश्वर पलवल एक्सप्रेस इस प्रकार, रोड एग्जिटिंग रोड इस प्रकार, विलेज की आबादी इस प्रकार, और NCR ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर इस प्रकार, खसरा नंबर
और किलन भी, यानी कि ऊपर जो होगा, देखिए यहाँ ध्यान से, ऊपर जो होगा जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 100, तो 100 से आप समझेंगे कि 100 खसरा नंबर है, और नीचे का जो आप देखेंगे ध्यान से बाद में देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि नीचे का किला नंबर है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं मैप में, देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ एरिया सेक्टर 7, टोटल एरिया 624.05 एकड़ का, एरिया अंडर एग्जिस्ट टाउन माइनर 4.24, एरिया अंडर ग्रीन बेल्ट ओपन स्पेस के लिए 27.25 एकड़ का, और नेट प्लांट एरिया यानी कि बचा हुआ 592.56 एकड़ का एरिया यहाँ रहने वाला है। अब हम अपने मैप को समझने का काम करते हैं। हम शुरुआत करते हैं केएमपी की साइड से। देखिए ये केएमपी की साइड का एरिया है। अब ये बात करें यहाँ से तो रेवेन्यू ऑफ विलेज तुरकपुर गांव का एरिया यहाँ रह जाता है। ये माइनर तुरकपुर से जाती है। ये केएमपी एक्सप्रेसवे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं थोड़ा नीचे की तरफ मैप करूँगा तब आपको भलीभांति अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम पहुँच चुके हैं, किस एरिया में अभी हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए ये यहाँ से ये रोड जटोला की तरफ जाता है, यानी कि जटोला गांव से जब आप केएमपी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 95 खसरा नंबर, 93 किला नंबर, 95 खसरा नंबर के 12-19, यानी कि खसरा नंबर 95 के तहत 12 नंबर किला, 19 नंबर 20, 11 नंबर 10-6-5 इसी प्रकार रहेगा यहाँ पर 21 तक। इसके बाद 96 खसरा नंबर के तहत 8-3-23 इसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो खसरा नंबर 90 के तहत 13-14-12-11-20-19-18-21 यहाँ 24-25-26-21 इसी प्रकार 1-2-3-4 तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं कौन कौन सा खसरा नंबर इसमें शामिल होने वाला है। देखिए थानाकला गांव के अधीन देखते हैं, सेक्टर 7 के एरिया में ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा खसरा नंबर 98 का 13-12-11-15-14-7-6-10-9-8-7 इसी प्रकार। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो 112 नंबर खसरा नंबर का किला नंबर 13-12-11 और नीचे की तरफ देखेंगे तो 97 खसरा नंबर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 97 खसरा नंबर के तहत भी जो किला नंबर होंगे 1 से लेकर के 22 से 23 तक वो सारे के सारे एक्वायर किए जाएंगे। यहाँ पर रोड निकाला जाएगा कुछ खेतों के एरिया से। इससे नीचे देखेंगे तो खसरा नंबर 113 के तहत किला नंबर 13, 114 खसरा नंबर, ये सारे खसरा नंबर के तहत यहाँ पर सरकार नए सेक्टरों की प्लानिंग का कार्य करने वाली है। अब देखिए पीपली गांव की तरफ जो मार्ग जा रहा है, पीपली गांव की तरफ ये मार्ग जा रहा है, यहाँ पर खसरा नंबर 108 के तहत 4-3-5-6-10-9-15-11 इसी के साथ साथ में खसरा नंबर 5 पीपली की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर 5 के तहत 13-18-17-23-24-25 सेक्टर 7 का एरिया टच हो जाता है, जो सेक्टर 6 से एरिया टच हो जाता है सेक्टर 7 का, यानी कि सेक्टर 6 यहाँ पर बनेगा। इसके पास देखें रेवेन्यू ऑफ विलेज पीपली, पीपली गाँव की रेवेन्यू क्षेत्र की जमीन है, यानी कि पीपली की जमीन है। यहाँ पर पीपली खसरा नंबर 17 के 13-12-14-8-9-10-1-2-5-4 किला नंबर यहाँ पर देख आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिए ऊपर की तरफ सेक्टर 2 आ जाता है। यहाँ पर एक चौक बढ़ जाता है, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये रोड बनेगा। इस रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप दोबारा समझिए मैप के अंदर ऊपर वाला खसरा नंबर नीचे वाला किला नंबर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर खसरा नंबर 83 किला नंबर 15, 84 के किला नंबर 13, 12, 11, 20, 19, 18 इसी प्रकार जमीन अधिग्रहण होगी। ये एग्जिटिंग रोड है पीपली से कहाँ जा रहा है, पीपली से थानाकला वाले रोड पर ये किला नंबर है, यानी कि पीपली गांव से थानाकला वाले रोड पर जितने भी किले हैं उनके किले नंबर देखो या ना देखो, लेकिन इस मैप के अधीन दिखाए गए हैं कि यहां से यहां तक की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इससे आगे देख लो आप किला नंबर खसरा नंबर 86 के किला नंबर 14, 15, 11, 6, 7, 3, 4, 5, 1 किला नंबर,
खसरा नंबर 87 के तहत 13, 14, 12, 11, 20, 19, 18, 17, 16 किला नंबर। इसी प्रकार नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो आप नीचे के एरिया में भी आप यही सेम सिचुएशन देखेंगे कि यहाँ पर खसरा नंबर दिखाई दे रहा है 98 के तहत किला नंबर 13, 11, 12 इसी प्रकार रह जाता है। नीचे तक यहीं कहीं थाना कला का रेवेन्यू ऑफ विलेज थाना कला का ये एरिया है। 100 नंबर खसरा के तहत 13, 14, 12, 11 101 खसरा नंबर भी यहाँ पर अधिग्रहण होगा। 83 खसरा नंबर, 84 खसरा नंबर, 102 खसरा नंबर, 108 खसरा नंबर, 85 खसरा नंबर, 86 खसरा नंबर, 87, 88, 97, 98, 99 खसरा नंबर, 111, 110, 109, 101, 113 खसरा नंबर के तहत भी यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 114 खसरा नंबर, 96 खसरा नंबर, 95, 89, 90, 73 खसरा नंबर, इसी प्रकार 115 खसरा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर सरकार द्वारा 65 खसरा नंबर तक की भी जमीन अधिग्रहण की जाएगी और 64 के एरिया वर्तमान का जो गांव दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ के एरिया नंबर में भी जमीन सरकार द्वारा ली जाने वाली है। बाहर एग्रीकल्चर जोन यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस पूरे सेक्टर की एक बारीकी से और बात मैं आपको बता दूँ। इस सेक्टर में आप ध्यान से, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं आपको देखिए अब ठीक है, ये लीजिए। इस सेक्टर की क्या खासियत होगी, यहाँ से केएमपी गुजर गया, केएमपी के साथ में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की लाइन गुजर गई। इसके साथ साथ में यहाँ से बाय केएमपी के साथ साथ में एक ये रोड आ गया, एग्जिटिंग रोड आ गया। यहाँ से जटोला साइड से ये रोड जा रहा है, इन सेक्टरों के बीच से जाएगा क्रॉस करता हुआ। ये पीपली का पुराना रोड है जो वर्तमान में थाना कला गांव की तरफ जाता है। इन रोडों से हटकर के सेक्टर 2 से लेकर के थाना कला गांव तक एक नया रोड बनाया जाएगा और वर्तमान के खरखुदा बाईपास 334B से लेकर के और क्रॉस करता हुआ केएमपी को क्रॉस करता हुआ एक नया रोड बनाया जाएगा। केएमपी के साथ साथ में भी एक नया रोड बनाया जाएगा, यानी कि पहले केएमपी आएगा, केएमपी के बाद में ग्रीन बेल्ट आएगी 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट के बाद में एक नया रोड बनाया जाएगा। इस रोड के साथ में भी एक छोटी सी ग्रीन बेल्ट यहां पर दिखाई दे रही है। ये पूरा का पूरा सेक्टर 7 आवासीय सेक्टर बनने वाला है खरखोदा के क्षेत्र में। अगर किसी को इसकी पीडीएफ प्रति चाहिए तो पीडीएफ प्रति हम प्रोवाइड करवाने का काम कर देंगे। आप लोग चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों को सुविधा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।